इमेज शार्पनिंग की जब हम बात कर रहे थे तो हमने ये देखा था कि हमने शार्पनिंग करनी है बेस्ड ऑन डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन जो है इट इज़ बेस्ड ऑन आइदर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब इसके बाद हमने सारी जो डिटेल देखी वो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पे कंसंट्रेट किया। अब हम वापस आते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पे और देखते हैं ये कैसे वर्क करता है और इसका क्या फ़ायदा होता है। अब प्रॉब्लम ये थी, जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव था वो सिमेट्री पे बेस्ड था, तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में क्या था, मिडल वैल्यूज़ और फिर ऊपर वाली और नीचे वाली वैल्यू से आप माइनस कर रहे थे, तो इस वजह से वो बड़ा अच्छे रिजल्ट्स भी प्रोड्यूस करता है और इजी टू इंप्लीमेंट भी था। ऑन द अदर हैंड फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो है इसके लिए जो है हमारे पास डायरेक्ट जो है ना वो एग्जांपल्स मौजूद नहीं है, या डायरेक्ट इसकी हमारे पास इंप्लीमेंटेशन या डायरेक्ट मैथमेटिक्स ग्राउंडिंग नहीं है। सिर्फ हमें ये पता है कि ये जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, फॉर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई वी हैव टू यूज ग्रेडियंट ऑफ एफ एट कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई, और वो ग्रेडियंट्स हमारे पास क्या हैं, वो पार्शियल ऑर्डर डेरिवेटिव्स हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स के और विद रिस्पेक्ट टू वाई के। अब इनका इफेक्ट क्या है वो हम देखते हैं, वो ये है कि अगर इसका मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड हमारे पास सिंपल क्या होगा, ग्रेडियंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ग्रेडियंट ऑफ वाई स्क्वायर और फिर उनका अंडर रूट। इसी तरह अगर हम इसको ओपन अप करना है तो ग्रेडियंट ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर प्लस ग्रेडियंट ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू वाई स्क्वायर और फिर उसका अंडर रूट। इसलिए इसको कहा ही जाता है कि इसको, क्योंकि बहुत ज़्यादा इजीली मैथमेटिक्स में सॉल्व नहीं किया जा सकता इस सारी चीज़ को, तो सिंपल हम ये कहते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो है दैट इज इक्वलेंट टू ग्रेडियंट ऑफ एक्स प्लस ग्रेडियंट ऑफ वाई, दैट्स इट। अब इस सारी डेफिनेशन से हम पहुँचते कहाँ पे चीज़ों पे, इन सारी चीज़ों से हम पहुँचते इस तरह से चीज़ों पे हैं कि इन ग्रेडियंट्स को कैसे फाइंड आउट किया जाए, कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे फाइंड आउट किया जाए, क्योंकि हमने क्या चीज़ें करनी है, जी ऑफ एक्स और जी ऑफ वाई। तो इसके कुछ जो इक्वेशंस हमारे पास हैं कुछ इस तरह से हैं कि अगर हमारे पास 1 टू n तक स्पेशल कोऑर्डिनेट्स हों तो कुछ फार्मूले ऐसे होंगे, z7 प्लस 2z8 प्लस z9 माइनस दिस वन प्लस दिस वन माइनस दिस वन एंड सो ऑन, और इसके लिए जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो z1 से लेके z9 तक हम यूज़ कर रहे हैं। अब इसकी बेस पे कुछ हमारे पास फार्मूलाज मौजूद हैं जिनमें हमारे पास एक है सोबल का ऑपरेटर, जिसके अंदर हम क्या करें, हम ये कहते हैं कि सोबल का जो ऑपरेटर है उसमें हमारे पास क्या हो रहा है कि ये दरमियान वाली वैल्यू जीरोज हैं, इमीडिएट नेबर्स -2 -2 और ये वाले फिर -1 -1 -1 1, या इसी तरह अगर इसको फ्लिप कर दूं वर्टिकल की बजाय हॉरिजॉन्टल में तो -2 और 2 यहां आता है और बाकी सारा 1 1 1। तो अब हमारे पास क्या है, टू फिल्टर एन इमेज इट इज फिल्टर यूजिंग बोथ ऑपरेटर्स द रिजल्ट्स ऑफ विच आर एडिड टूगेदर। इससे मुराद क्या है कि पहले आपने ये वाला फिल्टर लगाना है, फिर ये फिल्टर लगाना है और इनको जमा कर देना। अब यहाँ पे आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए थोड़ा सा बता दूं कि इसका इफेक्ट क्या होगा, क्योंकि ये वर्टिकल लाइंस के लिए होगा या वर्टिकल एलिमेंट्स के लिए होगा क्योंकि ये वर्टिकली चल रहा होगा, और ये हॉरिजॉन्टल के लिए होगा क्योंकि ये हॉरिजॉन्टली परफॉर्म कर रहा होगा। तो ये हमारे पास एक सोबल ऑपरेटर का है। इसका अगर मैं रिजल्ट दिखाना चाहूँ तो कुछ ऐसा बनेगा, लेट्स से मेरे पास एक गिवन इमेज ये वाला है और इसमें ये जो है ना छोटा सा हिस्सा डिफेक्ट है ये वाला। अगर मैं सोबल ऑपरेटर परफॉर्म अपना करता हूँ तो मेरे पास क्या होगा, यहाँ पे आप देखोगे कि ये चीज़ यहाँ पे ज़्यादा नुमाया नज़र आ रही है, इसने सारे हिस्से को ब्लैक कर दिया, इस हिस्से को वाइटिश रखा बाउंड्री को, और ये हिस्सा थोड़ा ज़्यादा नुमाया हमें नज़र आ रहा है। तो हैविंग सेड दैट, अगर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की बात करें तो ये जो है डिफ़िकल्ट टू इम्प्लीमेंट है, इसकी मैथमेटिकल ग्राउंड समझना मुश्किल है, इसलिए हम ये देखते हैं कि साइंटिस्ट ने रिसर्चर ने इसके बारे में कौन से फार्मूले दिए हैं। तो अभी हमने ये देखा है कि एक रॉबर्ट्स का फार्मूला है जिसमें उन्होंने फिक्स कर दिया कि कौन कौन से उसके कोऑर्डिनेट सिस्टम होने चाहिए।